बदतमीज आदमी एक नंबर का वो इसको गोली खाता है नशे की खाली करा दिया घर किया घटका है वो गोली में किया ये उनकी बाप की पॉवर्टी ने जो खाली करा दी। वसीम मुर्तद पर बलात्कार का आरोप। वसीम के ड्राइवर की पत्नी ने लगाया आरोप। वसीम द्वारा लगातार शिया महिलाओं के साथ शारीरिक उत्पीड़न से शिया उलमा और अधिवक्ता हुए नाराज। लखनऊ के थाना सादातगंज पर एफआईआर लिखवाने के लिए लगा जमावड़ा। उलमा और अधिवक्ताओं के साथ साथ क्षेत्रीय पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद। वसीम करा रहा है शिया युवतियों से देह व्यापार। एफआईआर दर्ज न करने से लोगों में फैल रहा है रोष। क्या है पूरा मामला, देखें इस पर हमारी खास रिपोर्ट। पूरी कौम साथ में तुम्हारे जमानत कराई थी मैंने जज्बा पूछना तो जाके साथी नगर से पूछे आएंगे लोग बताएंगे हमारे सबको देख लेंगे सबको जानते हैं फायदे से कौन कौन कहाँ जा जाके मिलता है सबको जानते हैं फायदे से हमने वो काम करे उसके वो भी जानता है हमारे बारे में आइए जाओ फना जाओ फना को दिया बदतमीज आदमी एक नंबर का वो इसको गोली खाता है नशे की इनको मारा घर खाली करा दिया घर किया घटका है वो गोली में किया ये उनकी बाप की पॉवर्टी ने जो खाली करा ली थी हम की जगह पे रहते थे उनके ड्राइवर है गाड़ी चलाते पर्सनल गाड़ी भी चलाते थे और जो भी चलाते बदतमीज आदमी है बहुत बदतमीज है आप नहीं करेंगे हम न्यायपालिका जाएंगे कहीं ना कहीं जाएंगे अरे न्याय आपको मेरे आपके साथ क्या हुआ बताइए बताइए बोलिए 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 आपकी आवाज बहुत उठ जाएगी पब्लिक बहुत आएगी आप साथ में दर्द दिया जाएगा पूरा शहर आप साथ में सारे वकील साथ में आपके लोग हैं वो सब आपके साथ हैं आप अपनी पूरी घटना बताइए कि क्या किया आप साथ में सारे वकील जाएंगे और लोग उनको चेयर दिलवाइए पीड़िता को तो चेयर दिलवाइए पीड़िता को चेयर बैठा सुनिए इसके बाद हाँ आ जाओ वीडियो देने ठीक जो भी जो किसी मुकदमे में होता है वो इसमें होना चाहिए और इसमें महिला है और उसके साथ जघन्य से जघन्य अपराध हुआ अमानवीय व्यवहार हुआ है अमानवीय कृत्य हुआ है बलात्कार का मतलब होता है कि किसी को मार देने से ज्यादा क्योंकि समाज जीने नहीं देता मरने वाला तो चला जाता है लेकिन जो बलात्कार पीड़ित होता है पीड़िता होती है बड़ी बात समाज नहीं जीने देता ये सब जानते हैं सर्वविदित है आप हम समझा